41वां क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी और इसे प्रारंभ में सिंधु सभ्यता क्यों कहा गया। तो ये कांस्य काल की सभ्यता थी जिसकी समय अवधि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच था। और चूँकि इस सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। तो इसमें तीन चीज़ याद रखना है कि ये कांस्य काल की सभ्यता थी क्योंकि इस समय ये लोग कांस्य का प्रयोग भलीभांति जानते थे, मतलब कांस्य को किस तरह बनाया जाता है वह ये लोग अच्छी तरह से परिचित थे इसलिए इसे कांस्य सभ्यता कहा गया। दूसरा चीज़ याद रखना है कि इस काल की सभ्यता जो था वह समय अवधि ही 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच था। और इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा गया, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे इसका विकास हुआ था इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अभिलेख क्या होता है, अभिलेख में ही छिपा हुआ इसका उत्तर लेख। लेख का अर्थ होता है लिखना। यानी पुराने समय में क्या होता था कि राजा जो होते थे वो अपने विचारों को पत्थरों लोहों जैसी कठोर सतह पर लिखते थे जिसे अभिलेख कहा जाता था। और ये अभिलेख उस समय के राजनीतिक आर्थिक सामाजिक एवं धार्मिक स्थितियों का भी पता चलता है। जैसे उस समय जो भी अभिलेख खुदवाए गए पत्थरों पर या लोहे के जैसी कठोर सतहों पर जो भी अभिलेख खुदवाया गया उन अभिलेखों को अभी पढ़कर उस समय की आर्थिक सामाजिक स्थिति भी पता किया जाता है कि वहाँ का शासन किस तरह चलता था और उस समय का समाज कैसा था। 43वां क्वेश्चन है, धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। तो गौतम बुद्ध ने समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए वाराणसी के नज़दीक सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि गौतम बुद्ध के द्वारा सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया गया उसे ही धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। 44वां क्वेश्चन है, जात और सवार का क्या अर्थ है। तो जात का अर्थ होता था व्यक्तिगत पद जिसका मतलब होता था मनसबदार। यानी कोई भी पद पर अगर कोई व्यक्ति बैठता था तो उसे मनसबदार कहते थे। और सवार का अर्थ होता था घोड़े की निश्चित संख्या। यानी जात का अर्थ व्यक्तिगत पद और सवार का अर्थ घोड़े की निश्चित संख्या। जो भी व्यक्तिगत पद जिस पर बैठता था उसे मनसबदार कहते थे और मनसबदार के पास घोड़े की कितनी संख्या होगी, घोड़े की कितनी संख्या होगी यह उसके पद पर निर्भर करता था कि उसका पद कितना बड़ा है। जो पद पर जितना बड़ा होता था वह पद का मनसबदार उतनी ही अधिक घोड़े रख सकता था। जैसे कि शासक का पुत्र यानी राजकुमार सबसे ज़्यादा घोड़ा रखता था। 45वां क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय कहाँ हुआ और इसके प्रवर्तक कौन थे। यानी दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन शुरू हुआ उसका उदय कहाँ हुआ था, वह कहाँ शुरू हुआ था और इसका प्रवर्तक कौन था। तो दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से शुरू हुआ था जिसका उदय द्रविड़ देश कहते हैं तमिलनाडु को, तमिलनाडु में हुआ था और इसके प्रवर्तक अलवार नयनार शंकराचार्य आदि संत थे। यानी भक्ति आंदोलन का उदय द्रविड़ देश तमिलनाडु में हुआ था और इसके प्रवर्तक अलवार नयनार शंकराचार्य आदि संत थे। 46वां क्वेश्चन है, सूफी संत की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है। यानी सूफी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह किन शब्दों से हुआ है। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द सफा से हुआ है जिसका अर्थ होता है ऊन, अर्थात जो कपड़े
पहनकर अपने मत छियालीसवां क्वेश्चन है, सूफी शब्द की उत्पत्ति किन शब्दों से हुई है? तो सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द सफा से हुआ है। अब अरबी शब्द सफा से हुआ है जिसका अर्थ होता है ऊन, यानी कि ऊनी कपड़ा। ऊनी कपड़ा जो पहनकर अपना मत देता था, अपना विचार देता था, वे सूफी कहलाते थे। यहाँ लोग कौन थे? तो पहाड़ियाँ लोग राजमहल के पहाड़ियों में रहने वाला एक जनजाति समुदाय था। यह अपने आजीविका के लिए जंगली उत्पादों पर निर्भर रहते थे और खेती करने के लिए ये झूम खेती किया करते थे, और जिसको बाद में क्या किया गया था कि अंग्रेज़ों के द्वारा संथालों को मदद लेकर इन पहाड़ियों लोगों को राजमहल के पहाड़ियों से भगा दिया गया था और संथालों को बसा दिया गया था। और संथालों के बाद साथ भी बाद में धोखा हो गया था, जिसके कारण संथालों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा था, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो इतना याद रखना है कि पहाड़ी लोग जो थे वह एक जनजाति समुदाय था जो अपने आजीविका के लिए जंगली उत्पादों पर निर्भर रहते थे। अगला क्वेश्चन है, पवन की क्रांति के चार महत्वपूर्ण केंद्रों के नाम लिखे, अर्थात 1857 की क्रांति किन किन क्षेत्रों में हुआ उनका नाम लिखना है। तो यहाँ पे 1857 से संबंधित पाँच महत्वपूर्ण केंद्र लिखा गया है, जिनमें से आप चार कोई लिख सकते हैं। जैसे कि पहला है कानपुर, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है झांसी, चौथा इलाहाबाद और पांचवा है जगदीशपुर। तो इनमें से आप कोई भी चार लिख सकते हैं। उनचासवां क्वेश्चन है, कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचांत क्या है? तो तीन गोल्ड मेज सम्मेलन हुआ था और सभी गोल्ड मेज सम्मेलन जब असफल हुआ था तो उसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने क्या किया था कि भारतीयों के एकता को तोड़ने के लिए 16 अगस्त 1932 ईस्वी को एक घोषणा जारी किया, जिसे अल्पसंख्यकों और अछूतों, मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों और अछूतों के लिए अलग निर्वाचित क्षेत्र चुना गया, और इसी घोषणा को कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। कम्युनल अवार्ड फूट डालो शासन करो की नीति का दूसरा रूप कहा जाता है, क्योंकि फूट डालो शासन करो के नीति में भी लोगों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था और कम्युनल अवार्ड में भी भारतीयों की एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया था, जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं। 50वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में किया गया था, और इसके किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो ये डॉक्टर सचित्तानंद सिन्हा की अध्यक्षता में किया गया था, जिसे बाद में संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया था, और अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था, लेकिन शुरू में सचित्तानंद ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा की पहली अध्यक्षता की थी। 1946 से याद कैसे रख सकते हैं? तो इस तरह से याद रखेंगे, संविधान को बनने में 3 वर्ष लगा था और संविधान 1950 ईस्वी में लागू हुआ, लेकिन यह संविधान 1949 ईस्वी में बन गया था। तो 49 से 3 वर्ष अगर पीछे जाएंगे तो 1946 प्राप्त होता है, मतलब कि इसकी बैठक 1946 से हुआ था, जिस समय से संविधान लिखना शुरू किया गया था, और यह समाप्त हुआ था 1949 ईस्वी में और लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 51 है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का वर्णन करें।
हड़प्पा सभ्यता का स्थलों का वर्णन करने से पहले थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक प्राचीन सभ्यता थी जिसका समय काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच रहा। और यह इसकी आकृति इस सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार थी और इस सभ्यता से अनेक उत्कृष्ट कलाकृतियाँ मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का एवं स्थानों का निर्माण हुआ था जिनमें से कुछ स्थल निम्नलिखित है जिसके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो पहला नगर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह एक व्यापारिक केंद्र था और यह सिंध के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में किया गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा। तो मोहनजोदड़ो का वर्णन करते समय यहाँ याद रखेंगे कि यह एक मृतकों का टीला था जिसकी खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था और यह सिंध के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला नगर है वो है हड़प्पा। तो हड़प्पा में सर्वप्रथम खुदाई करवाई गई थी। यह नगर भी एक व्यापारिक केंद्र था जो पंजाब में रावी नदी के किनारे स्थित है और इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। तीसरा नगर है कालीबंगा। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह वर्तमान में राजस्थान में स्थित है और इस नगर से हल का प्रमाण मिलता है। अगला नगर है लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण नगर था क्योंकि यह बंदरगाह के लिए जाना चाहता था। अगर क्वेश्चन यह पूछता है कि कौन सा नगर हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह के लिए जाना चाहता था तो वह लोथल ऐसा नगर था जो बंदरगाह के लिए जाना जाता था। यह एक प्रसिद्ध नगर था। इस नगर में चक्की धान आदि के साक्ष्य मिले हैं। अगला नगर है वनमाली। वनमाली हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। यह वर्तमान में हरियाणा के सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इस नगर से अंगूठियाँ बालियाँ खिलौने आदि मिले हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य प्रशासन का वर्णन करें। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र में मौर्य प्रशासन के संपूर्ण जानकारी मिलती है जो निम्नलिखित है। पहला पॉइंट में देखते हैं कि मौर्य काल में प्रशासन मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित था। पहला केंद्रीय प्रशासन और दूसरा प्रांतीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन का प्रमुख सम्राट होता था। वह राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मंत्रियों न्यायाधीशों आदि की नियुक्ति सम्राट के द्वारा ही किया जाता था। राज्य के समस्त शक्ति सम्राट के हाथों में होता था। तीसरा पॉइंट है कि राजा इतना शक्तिशाली होने के बावजूद निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं था। अपने मर्जी से कोई काम नहीं करता था। वह प्रजा के भलाई के बारे में ही सोचता रहता था। अगला बिंदु है कि मौर्य प्रशासन राजतंत्र था जिसमें राजा का अधिकार होता था लेकिन फिर भी प्रजा को दूसरे राजा को चुनने का या नियुक्त करने का अधिकार होता था। राजा शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता था। ये मंत्रिपरिषद राजा के द्वारा योग्य अधिकारी चुने जाते थे जिन्हें वेतन के रूप में प्रतिवर्ष 12,000 पन प्राप्त होता था। शासन के दैनिक कार्यों को करने के लिए मंत्री नियुक्त किए जाते थे।
ये मंत्री प्रधानमंत्री, सेनापति, आमात्य आदि प्रमुख थे। यह मंत्री विभिन्न विभागों के अध्यक्ष एवं मुखिया होते थे, यानी अपने अपने विभाग के अध्यक्ष और मुखिया होते थे और उनका कार्यभार उन्हीं के हाथों में होता था, जिसे वे सुचारू रूप से चलाते थे। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को याद रखने का ट्रिक क्या है, तो 5-6 बिंदुओं से याद रखेंगे। पहला है शासन स्तर, दूसरा है केंद्रीय शक्ति, तीसरा है शासन का व्यवहार, और चौथा है मंत्री परिषद, और पांचवा है मंत्रियों की नियुक्ति और उनका कार्य। तो शासन स्तर से याद रखेंगे कि उस समय का शासन स्तर दो भागों में चलता था, केंद्र और राज्य। अब केंद्रीय शक्ति किसके हाथ में होता था, तो शासक का राज्य का पूरा शक्ति राजा के नेतृत्व में ही होता था, मतलब पूरे राज्य का सर्वोच्च अधिकारी राजा ही होता था। तीसरा है शासक का व्यवहार कैसा था, तो चूंकि इस समय जो शासन प्रणाली थी वह राजतंत्र था, लेकिन फिर भी राजा जनता की भलाई के बारे में ही सोचता रहता था और जनता के अंदर इतनी क्षमता होती थी कि राजा को बदल सकती थी। राजा क्या करता था, अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया था, जिसकी नियुक्ति राजा के द्वारा ही किया जाता था और वेतन दिया जाता था प्रत्येक वर्ष 12,000 पन। मंत्रियों की नियुक्ति दैनिक कार्यों के लिए राजा नियुक्त करता था और उनको अलग अलग विभाग दिया गया था और वे अपने विभाग को अच्छी तरह से चलाते थे। तो इन बिंदुओं से कोई ही याद रख के पॉइंट बनाएंगे कि शासन का स्तर दो विभाग था, केंद्रीय शक्ति में क्या था, शासन के व्यवहार कैसा होता था, मंत्री परिषद का गठन कैसे होता था और क्यों होता था, मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी, उनका कार्य क्या था, तो अपने अपने विभागों को अच्छी तरह से चलाना। अब जल्दी से वीडियो लाइक करें, वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसका अगला पार्ट आपसे मिस ना हो पाए। धन्यवाद।